वेखो अज भाई तारू सिंह साहब का शहीदी दिहाड़ा है। भाई तारू सिंह साहब नूं शहीद किया जकरिया खान ने और भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करने वाला नवाब मोमन खान। जकरिया खान ने ना एक बार लाहौर दे विच एक मीटिंग सदी, शब्द बड़े ध्यान नाल सुन वाले ने, शायद कुछ शब्द आप जी वास्ते नवे होना ते प्रसंग ढाडी कला दी साण ते बड़ा घट चढ़िया। मैं जिहड़ा तुहाडे नाल सांझा कर लगा बहुत घट स्टेजां ते, नहीं मैं कहिंदा कि गाया नहीं जांदा, गाया जांदा पर बहुत घट गाया जांदा। जकरिया खान ने लाहौर विच मीटिंग सद ली ते मीटिंग विच बुलाए मौलवी अते काजी, सारे मौलवी मुलाने बुला के ते उन्हां अगे इक उन्हें एक विचार रखी। विचार पता की रखी? कहिंदा खान साहब, मौलवी साहब, मैं बड़ा यतन किया, मैं सिंह खत्म कर दिया। ये शब्द आम आप जी ने सुने ने, पर मेरे को होंदे नहीं। वो करदा पता की सी, आ हुण सुनियो, वो करदा की सी, एक जूंदे सिंह नूं गिरफ्तार करना, उन्हूं धरती विच गड़ देना, उहदा सिर केस खुले कर देने, केसां विच दही पा देना ते शिकारी कुत्तियां दीआं खोल देणियां रस्सियां। शिकारी कुत्तियां ने आउणा, सिंघां दे सिर दा मास केसां समेत नोच के खा जाना, थल्ले उहनां दी मिज बाहर कढ देनी। होर की करदा सी, होर सुनो, जकरिया खान ने यह भी किया, जिहड़े सिंह नूं गिरफ्तार करके धरती विच गड़ना जूंदे नूं, उहदे सिर विच लोहे दीआं मुंगलियां मार मार के उहदा सिर फेर देना। एक इतिहास दा ऐसा सिख है जिहदे बारे बहुत स्टेजां ते घट बोलिया गया, भाई बुलाका सिंह। भाई बुलाका सिंह नूं पता शहीद किदां कीता गया? उस योधे दा प्रसंग मैं लिख रहा, आने वाले समय तुहाडे नाल सांझा करांगा, गुरु कृपा करे, सम्राट गुरु सिर हाथ धरियो। भाई बुलाका सिंह नूं शहीद किवें कीता गया? जकरिया खान ने की किया? भाई तारू सिंह दा इतिहास तुसीं सुणिया है, जकरिया खान ने भाई बुलाका सिंह नूं आख्या ईन मन। भाई बुलाका सिंह नहीं मनी, कहिंदा हुण मैं तैनूं शहीद करांगा, तेरी रूह कंब जाएगी ते तेरियां पुश्तां विच आउण वाले समें च कोई सिख नहीं बनेगा। भाई बुलाका सिंह ने आख्या दस की करेगा मेरे नाल। भाई बुलाका सिंह दा एक पत्थर दी सिल उत्ते रखा दिता गया हाथ, ते जालमां नूं हुक्म कीता कि हाथ विच लै के हथौड़ा इहदे हाथ ते मार मार के इहदा हाथ फेर लिओ। भाई बुलाका सिंह दा पहला सज्जा हाथ पत्थर दी सिल ते रख के उहदे हाथ ते मार के हथौड़ा ते उहदा हाथ फेर दिता। हाथ मानो पतला हो गया, पत्थर दे विच ही समो गया, फिर जालमा ने कीता सज्जा हाथ, इसे तरह खब्बा पैर, इसे तरह सज्जा पैर। पुछया गया बुलाका सिंह, ईन प्रमाण करदा है? भाई बुलाका सिंह ने आख्या जकरिया खान, तू वेख चुका है का डोल सिख की बिरती, मैं डोल हाँ, मैं परमात्मा के नाम नाल समाधि जोड़ी हुई है, तू मैनू खत्म भी कर दवे तो मैं अपने धर्म तो मुंह नहीं मोड़ांगा। अज मोड़िया जांदा है, अज कई लोग पैसे लै लै के धर्म तब्दील कर रहे, पर मैं बेनती हो ही करदा हुंना, सिखो ये दो चार बंदे धर्म विचों निकल जाण ते धर्म नूं कदी कोई फर्क नहीं पैंदा, धर्म कदी इदां खत्म नहीं हुंदी। वड्डू वड्डे कल्लू कारे विच ना 50,000 की साड़ी गिणती सी ते 35,000 इक्के दिन बदाली मार गया, इक्के दिन शहीद कर गया, ते जे किते इदां धर्म खत्म हुंदे हुंदे ते उस दिन असीं मुक जांदे। इस तरह धर्म नहीं मुकदे, लालची लोग का कोई धर्म नहीं, वह धर्मी बंदा हुंदा जिहड़ा पैसे लैके जां सेहत सहूलतां लैके किसी दूसरे धर्म चला गया, उन्हां दा की कहा जा सकदा वी शल मेरा हो जाएगा। समा ज्यादा नहीं, बड़ा कीमती है। भाई बुलाका सिंह का आखिरी वार पता कित्थे गया? उन्हूं सिल ते लटा लिया गया, उहदे सिर विच जकरिया खान दे हुक्म नाल जलादां ने जोर दी मार के हथौड़ा ते उहदे सिर दी मिज बाहर कढ के सुट दित्ती। इहो जे तरीके बना चुका सी जकरिया खान, जदों कोई वाह पेश ना चली ते उहने आख्या मौलवी साहब मैं कोई तरीका अपनाया। वह तरीका पता किहड़ा अपनाया? वह तरीका यह सी कि मैं सोचा मैं इन्हां नूं नवाबियां पेश करदा, शायद डोल जाणगे, शायद धर्म छड्ड जाणगे, शायद नवाबी नाले आपस में लड़ पैणगे कि नवाब मैं बनना है, दूसरा कहेगा नवाब मैं बनना है। कहिंदा मैं नवाबियां भेजियां, पर एक कैसे सिख ने गुरु दे, एक किसे ने नवाबी प्रवान नहीं की थी। फिर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा लिया, हुक्मनामे विचों आवाज यह आई कि जिहड़ा संगत विच सेवा करदा होवे ना संगत विच उहनूं नवाबी दे दिओ। ते वह नौगा पिया जी सरदार नवाब सिंह फैजलपुरीए का, सरदार कपूर सिंह फैजलपुरीए का। यह फैजलपुर कहड़ा है? तुसीं आखोगे उह ते सिंहपुरे का सी, यह सिंहपुरे का पुराना नाम इतिहास में पढ़ के वेखो पुरातन स्रोतों में, तो सानू इहदा पुराना नाम मिलता है फैजलपुर। यह फैजल खां मुसलमान का वसाया होया नगर सी,
इन्हें आप उदरियां कीतियां ते सरदार कपूर सिंह ने फैजल खान सौदा लाया ते फैजलपुर का नाम बदल के सरदार कपूर सिंह ने इसका नाम रख दिता सिंहपुरा। यह सरदार कपूर सिंह सेवा कर रहा है। जो नवाबी की पेशकश की गई ना तो सरदार कपूर सिंह ने आख्या मैं नवाबी नहीं लैनी, वो एहिया नवाबियां जान ठे खूह च, मैं ना नवाबियों तो की करना है, मैनू यह नवाबियां नहीं चाहदियां। अज वेखो अज लीलड़ियां कढ़िया जांदियां ने ते ना किसी नूं पुछया जांदा ना दस्या जांदा है। जदों अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दा हेर फेर हो जावे, अज पता नहीं किहड़ा किहड़ा बानू तैयार बैठा है, किन्ने क लोग ने जिहड़े कहिंदे सानूं अकाल तख्त साहिब दी जिम्मेवारी दे दिओ, सानूं जथेदार बना दिओ। कई तां आपे बने बैठे ने और कुछ पंथ ने चुने ने, कुछ ऐसे भी हुंदे ने। पर उदों नवाबियां आईयां ते सरदार कपूर सिंह ने आख्या मैं नवाबी नहीं लैणी। पंथ ने फैसला किया, पंजां ने हुक्म ला दिता कपूर सिंह तेनूं पंज प्यारियां दा पंज सिंह साहिबानां दा हुक्म है कि नवाबी तेनूं दित्ती जाएगी। ते सरदार कपूर सिंह ने बेनती पता की कीती, सरदार कपूर सिंह कहिंदा पंथ जी ठीक है, जे हुण पंजां दा हुक्म है ते इह तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी नहीं मोड़िया, इह मैं भी प्रवान करदा, ठीक है तुसीं नवाबी देनी है, पर मेरियां दो बेनतियां जे पंथ प्रवान करे ते मैं नवाबी लवांगा, नहीं ते मैनू नवाबी प्रवान नहीं। पंथ ने आख्या तुहाडियां केड़ियां दो बेनतियां, आ वेख हुण बानना है नवाब, नवाब बन के केड़ियां बेनतियां कर लगा है सरदार कपूर सिंह। सरदार कपूर सिंह ने आख्या पंथ जी मेरी पहली बेनती है कि यह जिहड़ी नवाबी मैनू देनी है ना, यह पंज प्यारियां दे चरणां नाल छुहा के मैनू दित्ती जावे। इन्नी निम्रता कित्थों वेखण नूं मिलदी अजकल, अजकल तां वड्डे वड्डे प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसां करके समागम किए जाते हैं। उन्हें आख्या नवाबी मैनू देनी है ते पंज प्यारां दे चरणां नाल छुहा के, ते दूसरी मेरी बेनती है बेशक पंथ मैनू नवाब भी प्रवान कर लवे, पर मेरी बेनती है कि पंथ मेरे को कदी भी घोड़ियां दी लिद सुटण दी सेवा ते संगत विच पक्खा झलण दी सेवा ना खोवे, फिर मैं नवाबी लवांगा। पंथ दी नवाबी मिल गई, नवाबी जिहड़ी भेजी जकरिया खान ने उह नवाब सरदार कपूर सिंह नूं दे दित्ती गई। इहदा लकब बन गया नवाब सरदार कपूर सिंह। नवाब सरदार कपूर सिंह जंगल दे विच अपने साथी सिंघां दे नाल खड़ा है, अपने साथी सिंघां नाल इक विचार चल पई। सरदार कपूर सिंह ने आख्या सिंघो साड़ी कौम उत्ते बड़ा घाण कीता इन्हां जालमां ने, साड़ी कौम दा बड़ा घाण कीता है, घाण की कीता है तुसीं चंगी तरह जानदे हो, पर मेरे मन की एक विचार है मैं तुहाडे नाल सांझी कर लगा है, ते मैनू उम्मीद है कि मेरी ये विचार सुन तो बाद जां तुसीं मैनू नवाब मानदे हो, कौम दा जथेदार मानदे हो, ते फिर मेरे इस हुक्म दे सामने सी झुकाओगे। सिंघां ने आख्या जथेदार जी बोलो की कहना चाहुंदे ने। सरदार कपूर सिंह ने आख्या ओ सिंघो तुसीं मर्दां दे जाए, जेडे मर्दां ने बंद बंद कटवा लिया सी तक नहीं कीती, उन्हां मर्दां दे जाएओ जिन्हां ने सरहंद फतेह करके ओ सरहंद उत्ते अपने नीले निशान साहिब गढ़ दिते और गुरु दे नाम दे सिक्के ते मोहरां जारी कर दित्तियां, जिन्हां ने वड्डे वड्डे खान नवा दिते, जिन्हां ने वड्डे वड्डे पठान चुका दिते, ओ सिंघो असी उन्हां दी औलाद हाँ, असी उन्हां दे जाए हाँ जिहड़े गुरु ने साडी खातर अपने चार साहिबजादे वार के ना साडे वाले एक इशारा किया। इशारा पता की किया, गुरु ने आख्या सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सोत चार, के तुहाडी खातर मैं चार पुत्र वार दिते, ते पाछा ने अगला शब्द की वरत्या चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार, के चार ही मरे ने कोई गल नहीं उन्हां चौवां बदले मेरे हजारां जिंदे हो गए। ते सतगुरां ने भी आख्या सी औरंगजेब नूं चिहां शुद्ध के चूं बचका कुछ तह चार, के बाकी बेमार दस्त पेची दे मार। औरंगजेब की होया जे तू मेरे चार साहबजादे को के मार दिते ने, याद रख मेरा पंजवां वीर बहादुर सपुत्र खालसा कुंडलिया सप बैठा है जेड़ा तेरे जुल्मी राज दीआं जड़ां खेड़ के रख देवेगा। सरदार कपूर सिंह ने आख्या मर्दो असी उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हजारां विचों आउण वाले पुत्र हाँ, अज कौम उत्ते बिपता बनी है केड़ा मर्द जेड़ा छाल मार के सामने आवेगा। सिंघां ने आख्या जथेदार जी करना की है, तुहाडे हुक्म दी देरी है, तुसी हुक्म दो असी उहनूं वजाईए ना,
ते सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाती समुत्रना क्यों सरदार कपूर सिंह ने करके बेम्यान श्री साहबा रख के उहदे मुठे ते हाथ पा के मत्थे ते गैरत दी त्यूड़ी कौम दे कौमी परवानियां नूं की दस्या कि अज तुहाडे वास्ते किहड़ा परचा पिया है ओह परचे नूं हल कौन करेगा तुहाडा वी नाल नाल इम्तिहान है हुण पंक्तियां सुणियो कि कौम दा जथेदार कौमी परवानियां नूं की करन वास्ते कह रिहा है सुणियो उस वेले दा सीन सियालकोटी बैंड दी चाल विच मनवीर सिंह बीए पौ मिंट दा ढाडी थां नाल शब्दां विच बेनती इंज करदा Thank you.
ਉਮਰ ਉਤਾਰ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ।
नवाब कपूर सिंह दी वंगार सी पंथ दे मरजी वड़न। वंगार की सी के मोमन खान दा सिर वट के लियाउणा। सवाल उठता है कि मोमन खान ने ऐसा की कीता कि उहदा सिर वटना एडा ही लाजमी हो गया। यह नवाब मोमन खान है, उधर नवाब कपूर सिंह है, दोवां दी नवाबी विच बड़ा फर्क है। एक जालम है, एक परोपकारी है, एक जुल्म करता है, एक परोपकार करता है। नवाब कपूर सिंह ने आख्या मर्दो मोमन खान हदों वध गया। इन्हें कीता की अपने नेड़े नगर है वां भाई तारा सिंह साहब इन्हू फड़न वास्ते आ गया। कई बार सवाल उठता है कि भाई तारा सिंह की शहादत क्यों हुई, जंग छिड़ी क्यों, यह भी केसा करके हुई। तुसी आखोगे इहदा कोई सबूत, इहदा कोई प्रमाण दे सकते हो कि भाई तारा सिंह वां वाला भी केसा करके शहीद होया? तो इहदा जवाब बड़ा वधिया। जदों चौधरी साहब राय ने घोड़ियां खुलियां छड़ियां ते किसानां दा नुकसान होया, सिखां बेनती की मैं मुख्तसर ही अर्ज करना, मैं इस प्रसंग का रिजल्ट कढ़ना चाहना, मैं केवल इशारा ही कर लगा। उन्हें आख्या मैं घोड़ियां इस तरह नहीं बन सकता, सिखां बेनती की बन, कहिंदा मैं नहीं बन सकता, मेरे को बनने वास्ते औजार नहीं। तो सिंघां ने आख्या सी तैनूं रस्सियां का प्रबंध कर देने आ, कहिंदा नहीं, रस्सियां नाल मेरियां घोड़ियां दे गलियां विच जख्म हो जाणगे। ते सिंघां आख्या किवें बन सकदियां ने, असीं जिहड़ी चीज मूंह कहेंगा उह तैयार कर दांगे, साडा नुकसान ना होवे। वेखो आ कुदरत दे रंग हुंदे ने, हुण किस तरह आ मीह पिया ते साडियां फसलां हाड़ आए ने, जो पंजाब की बर्बादी हुई। मैं ते मेरे पिता जी कल जयपुर तो वापस आ रहे सी, असीं हरियाणे देखिया, हरियाणा लगभग जे मैं उह कह लवां वी 25-30 किलोमीटर तक पिंड घरां दे घर डुबे पए ने। जो हालात असीं उत्थे वेखे, उही जिहड़ा पानी फिर जो चीके आया देवीगढ़ पटियाले अपने पंघाले वाले साइड ते हरीके दरिया दे लागे लागे की कुछ बनिया। मेरे कहण दा मकसद सिर्फ इन्ना की है, पता तुहानूं भी सारा इस बारे पे की हो रहा, हड़ किवें आ रहे ने, की कुछ बन रहा है। सिर मैं इस करके दस रहा कि किसानां दीआं पुत्तां तों वध पालियां फसलां जदों उजड़दियां ना, उहनां नूं इउं लगदा वी जिवें सारी दुनिया ही उजड़ गई होवे। ते सिंघां वी उह आख्या सी वी साहिब राय आपदियां घोड़ियां बन, साडी फसल दा नुकसान हुंदा है। उहने आख्या मेरे कोल बनने लई कुछ वी नहीं ते ना तुसीं तैयार कर सकदे हो, एक तरीके नाल घोड़ियां बज सकदियां ने। ते सिंघां आख्या किवें, कहिंदा तुहाडियां दाड़ियां दे केस कतल करके मैं उहनां दे रस्से वटांगा, फिर मैं अपनियां घोड़ियां बन्नांगा। हुण मरी हुंदी ज़मीर ते सिंघ चुप करके बह जांदे भी उह जे बंदे नाल मत्था की लाउणा है, क्योंकि जदों कोई तुरदा है ना उदो बड़ा मुल्क मगर लगता है। भाई अमृतपाल सिंह दे मगर लाला लाला हो गई, जो पंजाब की जवानी, जो बच्चा बजुर्ग सारा तुर पिया, ते जिद्दनों डिब्रूगढ़ चल गया, किसी ने घरदिआं नूं पाइया गंढे भी नहीं लैके दित्ते होने, किसी ने पुछया नहीं भी जूंदे जे कि जां तुहाडे नाल की कुछ होया। उदो लाला लाला च बहुत कुछ हुंदा है, उदो भीड़ इकट्ठी हुंदी है, भीड़ का कोई नाम नहीं हुंदा, भीड़ इकट्ठी जिथे मर्जी कर लो भीड़ां इकट्ठियां हो जांदियां ने। पर जे नौजवानी तुरी है, वेखो हर कोई मां बाप अपने बच्चे की जान नूं अजाई नहीं गवाउणा चाहुंदा, हर एक मां बाप नूं अपने बच्चे की फिक्र हुंदी है। पर मैं इह कहिंदा कि जिहदे मगर तुरदे जे ना, फिर सिर तुरदी नभाउणी भी चाहीदी। भावें कोई संतां नाल किन्ने तुरे सी, उन्होंने नालों भी तद बाहां खड़ियां करके भजे सी, विषय वक्रे हो जाने। तुसीं कहना जिहड़ा चैप्टर सी उहते अधूरा रह गया, मैं उधर नहीं जाना चाहुंदा। फिर भाई तारा सिंह वां वाले कोल सरदार लखबीर सिंह आया, घोड़ियां उत्थों निकलियां, पटियाले वेचियां, माया लंगर विच पाई गई, इहो ही मोमन खान फिर फौज चढ़ा के लैके आया कि तू पट्टी दे फौजदार जाफर बेग दे दो भतीजे मारे ने, नाले चौधरी साहब राय नूं मारिया कुटिया। ते नवाब मोमन खान ने जदों वेख्या ना भाई तारा सिंह वां वाला जंग च लड़ रहा है, इह जिस मोमन खान का सिर वढ़ना है ना, उस बारे सरदार कपूर सिंह दस रहा मरजीवड़िया नूं किहने साडे नाल कीता की है सिंघो। फिर मोमन खान ने अपना एक चोटी का जरनैल तकी बेग भेजिया, वह भाई तारा सिंह नाल लड़न लगा। उन्हें वेख्या मेरा तो शरीर लोहे नाल मड़िया, मेरे ते नेज़ा वजना है कि नहीं, वार कि होना ही नहीं, पर वह पान खा रहा। जदों उन्हें अपना मूँह खोलिया ना, तो भाई तारा सिंह वाह वाले ने उहदे मूँह विच नेज़ा मारिया, कितने जगह नहीं सी, मूँह विच नेज़ा मारिया। जदों लहू की ततीरी छुट्टी दे पछाण दौड़िया, मोमन खान ने टीचर करके आख्या खान साहब पान चूब रहे जे? उन्हें आख्या हाँ मोमन साहब पाना दे बीड़े वंड रहा तारा सिंह वाह वाला, जल्दी नाल पहुंचो कि खत्म ही ना हो जाए, तुहाडी वारी लेट ना हो जाए। फिर भाई तारा सिंह नूं मोमन खान ने शहीद किया। फिर फड़िया भाई तारू सिंह भुलियां वाले नूं, इसे मोमन खान ने भाई तारू सिंह नूं पहुंचाया लाहौर, नखास खान के चौंक में बैठा है भाई तारू सिंह जेदा अज शहीदी दिहाड़ा है। मोमन खान ने नवाब जकरिया खान के नाल गल करके एक जिहड़ी सज़ा आयत करवा दी,
कि भाई तारू सिंह पहला तो केस उतारो तो भाई तारू सिंह जकरिया खान कहता तारू सिंह मैं जुत्तियां मार मार तेरे केस उड़ा देंगा माण करना ना केसा उत्ते अज तो वेखो असी नाई कोल जाने दे केस दाड़ा लवा के सुट के आ जाने शायद सानू पता नहीं साडे केसा का व्यापार हुंदा जी फॉरन कंट्रिया में साडे केस वेचे जाते हैं ये साडे वाल ये वेचे जाते हैं इन्हों का धंधा हुंदा है शायद बहुतों नूं नहीं इस गल का पता भाई तारू सिंह ने जवाब दिता जकरिया खान मैं भी गुरु गोबिंद सिंह का नादी पोतनी जेत नूं जुत्ती दे के ला के ना खड़िया थे ते आज दे दिन फिर भाई तारू सिंह जो जुत्तियां वजिया सी ना उहदे 21 दिन वजदियां रहियां ते 22वें दिन फिर जकरिया खान मरिया ते भाई तारू सिंह शहीद होया इह भी मोमन खान ने गिरफ्तार करवाया होर सुनो मोमन खान ने कीता की पिंडां विचों सिंगणियां फड़ लईयां ते उहनां दे बच्चे निक्के निक्के नाल ने सवा सवा मन दाने अगे रख के आख्या बीबियां नूं कि चक्कियां पीओ हुण एक बीबी है उहदे कोल साल सवा साल का बच्चा है वह चक्की पीती है तो गोदी में बच्चा पिया नाल उहनूं दुध भी पिंदी है शाम को अद्धी करोटी खाण वास्ते मिली चप्पा मिली वह छाके ते गल विच पल्ला पा के ते मां ने अरदास कीती महाराज दीन दुनिया के मालिक तेरा धन्नवाद दिन तेरे भाणे अंदर लंघ गया यह रात आई है भी तेरे भाणे अंदर बतीत हो जाए सुन लिया जलादा ने जाके हुक्म कर दिता कह लगे हाकम साहब बीबी तुहाडे हुक्म नूं कुछ मनदी नहीं वह तो भाणे विच है वह रजा विच रहिंदी है जलादा नूं हुक्म होया कि इहदे नाल इस तों भी माड़ी घटना की जाए जलाद आए उन्हें बच्चा फड़ के मारिया सिखा नाल बच्चा भुआंटनिया खांदा उची उची कुरलाउन लगा ते जलादा ने बीबी नूं धरती ते लटा के उहदी छाती ते वड्डा पत्थर रख दिता नाले आख्या बाजां वाले दी बच्चिया च वेखांगे तेरी रात किदां दी लंघदी है रात बच्चा हुण दूर बैठा रोंदा है मां ने हथ नाल इशारा कीता मेरे जून जोगिया मैं तेनूं अज अपनी छाती का दुध नहीं पिया सकदी पर नेड़े आ तेनूं मैं तेरे बाबे नानक दी बाणी सुनावां ते कहानियां सुनावां जदों बच्चा रिड़दा रिड़दा कोल आया मां दी बांह ते सिर रख के सारी रात रोंदा भुखा सौ गया अमृत वेला होया जलाद आए उन्हें मारिया ठुड कहिंदे उठ बाजां वाले दी बच्चिए कहिंदी सां तेरा दिन बड़ा सुखां दा लंघिया दस तेरी रात किदां दी लंघी ते उस बीबी ने गल विच पल्ला पाया अरदास कीती पाछा ए रहण आई चार पैण सुखां विच बतीत होगी कृपा करी चार पैर दिन आया भी तेरे भाणे अंदर लंघ जावे जलादा हकम नूं दस दिता हकम ने सख्त हुक्म करके भेज दिते आख्या इस बीबी नाल इस तों भी माड़ा काम कीता जावे बीबी का बच्चा फड़िया गया जलाद बाहर लै गए बीबी भजी भजी मगर गई गए वेखा मेरे बच्चे ना की करते ने जलाद ने वेंदा वेंदा बच्चा आकाश वाल सुट दिता उस सिख बीबी ने थले झोली की मैं बच्चे नूं बुझ लवां ते जलाद कहिंदा बाजां वाले दी बच्चिए फिकर ना कर तेरे बच्चे नूं मैं धरती ते नहीं डिगण दिंदा वेंदा वेंदा एक 6 फुट का नेजा हार बच्चे दे लक विच मारी वो अगले पास्यों आंदरां पाड़ के बाहर निकल गई एक चीक निकली बच्चे दी जिहड़ी आकाश विच किधरे गुम हो गई इत्थे बस नहीं कीता मोमन खान ने आख्या हुण इंज करो इस बीबी दे बच्चे नूं धरती ते लटा लो धरती ते लटा लिया गया ओह ही मोमन खान है जिहदे बारे सरदार कपूर सिंह कह रहे मैं नाल नाल तुहानूं बेनती करदा जावां मोमन खान ने आख्या बच्चे नूं धरती ते लटा लो लटा के धरती ते हाथ विच जलाद ने टोका लै लिया ते बच्चे का सब तो पहला खब्बा गुट वड्या और 1.25 साल के बच्चे का फिर उहदा सज्जा गुट वड्या फिर उहदा खब्बा पैर वड्या सज्जा पैर वड्या गोडियां तो वड्या पट्टा तो वट के बन तो वट के धौण ते आखिरी वार करके उहदियां आंदरां विच उहदी माला परो दित्ती टुकड़े टुकड़े माला विच पा के ते अज पाई गई है उस बीबी दे गल विच कहिंदे बाजां वाले दी बच्चिए आ वेखांगे हुण तेरा दिन किवें लंघदा है नाले ते गल विच पई होई पींग नूं झूटे दे ते नाले चक्की पी हुण बीबी अपने बच्चे दीआं आंदरां दा हार पवा के गल दे विच ते चक्की पीण लगी है मुठ्ठा अगले पासे चलिया जांदा है ते आंदरां दीआं बोटियां छाती नालों वख हो जांदियां ने मुठ्ठा चक्की दा कोल आ जांदा है ते छाती नाल फिर आंदरां बच्चे दीआं जुड़ जांदियां ने सारा दिन चक्की पींदी रही शाम होई अज मां ने गल विच अज हजूरिया नहीं पाया अपने बच्चे दीआं बोटियां आंदरां विच परोईआं होईआं उस हार नूं दोवां हथां विच लै के ना ते करदास कीती आख्या कलगियां वाले पाछा तेरा रोम रोम करके धन्नवाद मैं एक तेरे चरणां विच अरदास करदी सतगुरु कृपा करी मेरे बच्चे दी सिक्की केसां सुआसां दे नाल निभ गई
महाराज हुण कृपा करके जिवें मेरे बच्चे की सिक्खी सिदक निभाया है मेरे ते भी कृपा कर ते मैं भी अपने बच्चे कोल तेरी गोद विच आ जावां फिर असी कठे मां पुत बैठ के तेरे गुण गावांगे। अरदास कीती नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पला पांच पूतक शरीर त्याग के पातशाह दे चरणां विच चली गई। सरदार कपूर सिंह ने आख्या मर्दो ए उही मोमन खान है जिन्हें सिंघां दे घरां विच वड़ वड़ के छापे मार मार के सिंघां दे बच्चियां नूं बाल बिरधां नूं को छड्डिया। कोई मर्द उठे जिहड़ा चिट्टे दिन दा सिर वड़ के लियावे फिर कौम दा मरजीवड़ा सरदार अगर सिंह उठ खलोता है पाया गल विच पल्ला नवाब कपूर सिंह दे सामने खलो के मोमन खान दा सिर वड़न दी आग्या इंज मंगदा है।